हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ द ऑल न्यू Hyundai Aura फेसलिफ्ट 2023 की स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स और ऑन रोड प्राइस की सारी डिटेल्स, और साथ में ही 2023 में फीचर वाइज और सेफ्टी वाइज इसको क्या कुछ नए अपडेट्स मिले हैं, इस बारे में भी हम जानेंगे सब कुछ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। बात करें Hyundai के इस 4 मीटर एंट्री लेवल सेडान के ओवरव्यूज़ की, तो ये कार 2 स्टार ग्लोबल एंड कैप सेफ्टी रेटिंग्स के साथ आती है और इसकी कीमत लगभग 6,30,000 रुपये से शुरू होकर इसके टॉप एंड वेरिएंट की कीमत 8,87,000 रुपये एक्स शोरूम दिल्ली तक जाती है। और ये कार कम्पीट करती है मारुति सुजुकी की डिजायर, होंडा की अमेज और टाटा की टिगोर जैसी कारों को। ये कार इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली सब 4 मीटर सेडान सेगमेंट कार्स की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है और इंडिया में ये पर मंथ 4,000 यूनिट्स से ऊपर की सेल होती है। अब 2023 में Hyundai ने अपनी पॉपुलर हैचबैक ग्रैंड आई10 नियोस के फेसलिफ्ट वर्जन के साथ ही Aura का भी अपडेटेड वर्जन लॉन्च किया है और इस वीडियो में जो आप देख रहे हैं वो है Hyundai Aura 1.2 का टॉप एंड वेरिएंट SX ऑप्शनल मैनुअल में। तो आइए डालते हैं इस कार में 2023 में हुए अपडेट्स पर एक नज़र। सबसे पहले तो इस अपडेट के साथ ही इसमें पहले मिलने वाले 1 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन को अब कंपनी ने कर दिया है बंद और अब इसमें आपको वही 1.2 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ड्यूटी करता हुआ मिलेगा और वहीं CNG का ऑप्शन भी आपको इसी 1.2 लीटर मैनुअल वाले इंजन के साथ मिलता है। अब बात करें इस पर्टिकुलर वेरिएंट SX ऑप्शनल 1.2 मैनुअल के साथ मिलने वाले इंजन की, तो इसमें आपको 1197 cc 4 सिलेंडर्स नेचुरली एस्पिरेटेड कप्पा BS6 फेज 2 RDE कंप्लाइंट पेट्रोल इंजन मिलता है जो E20 फ्यूल को भी सपोर्ट करता है, मतलब कि आने वाले 20% एथेनॉल मिक्स पेट्रोल पर भी ये इंजन ईजिली रन करेगा। बात करें इसके पावर फिगर्स की, तो 82 bhp की मैक्सिमम पावर और 114 Nm का पीक टॉर्क प्रोड्यूस करता है ये इंजन और 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी और 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ही 20 कैंपेल की कंपनी क्लेम्ड फ्यूल एफिशिएंसी भी अब आपको इसमें मिल जाती है और अपने अपने ड्राइविंग स्किल्स पे ओवरऑल 17-18 की माइलेज तो निकल ही जानी है इससे। बाकी बात करें इसके इंजन बिहेवियर की, तो काफ़ी स्मूथ, साइलेंट और रिफाइंड इंजन है ये और काफ़ी रिस्पॉन्सिव भी, आप सिटी में हो या हाईवे पे कहीं पे भी अंडर पावर्ड फील नहीं कराएगी है। अब इसके डायमेंशंस को देखें तो इसकी लेंथ 3995 mm, विड्थ इसकी 1600 cm, हाइट 1520 mm और 2450 mm का व्हील बेस मिलता है इसमें आपको और ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है इसमें आपको। अब इसको सामने से देखें तो कुछ ऐसी नज़र आती है सामने से 2023 अपडेटेड Hyundai Aura। इसको फ्रंट से देखें तो इसकी लोअर ग्रिल काफ़ी बड़ी सी नज़र आती है, साथ ही में इसकी अपर ग्रिल भी हनीकॉम मेश डिज़ाइन के साथ बिल्कुल ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ इसके फ्रंट लुक को काफ़ी अट्रैक्टिव बनाती है, साथ ही में ऊपर बीच में बड़ा सा Hyundai का लोगो सिल्वर सैटिन फिनिश के साथ देखने को मिलेगा। इसके हेडलैम्प्स को देखें तो इसकी डिज़ाइन वही है पहले ही वाली, लेकिन अब इसमें आपको हैलोजन प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिल जाते हैं हाई बीम लो बीम के साथ विद इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स। हालांकि LED हेडलाइट्स का ऑप्शन भी देना चाहिए था Hyundai को कम से कम इस टॉप वेरिएंट में भी। खैर, अब और कुछ क्या नया चेंज हुआ है फ्रंट में, तो अब इसमें बिल्कुल न्यूली डिजाइन LED DRLs देखने को मिलेंगे आपको और फॉग लैंप का फीचर अब हटा दिया यहाँ से कंपनी ने। अब बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल की, तो साइड से कुछ ऐसी नज़र आती है आपको ये कार। डायमेंशंस की बात तो पहले हम कर ही चुके हैं, अब सबसे पहले नज़र डालते हैं इसके व्हील्स पर, तो इसमें आपको 15 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं और साथ ही में TPMS यानी टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी मिल जाते हैं अब आपको इसमें और इसके हर टायर्स की प्रेशर नंबर्स में अंदर क्लस्टर में शो करती हुई मिलेंगे आपको, जो कि सेफ्टी वाइज काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर भी है। बात करें टायर प्रोफाइल की, तो इसमें 175/60 R15 सेक्शन के टायर मिलते हैं और ब्रेक इसको आगे डिस्क और पीछे ड्रम ब्रेक मिलती है और साथ में ही ABS और EBD के साथ ही अब आपको इसमें ESP भी दे दिया गया, जो काफ़ी डिमांडिंग फीचर था इसके लिए। इसके RPMs आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल के साथ ही बॉडी कलर ही मिल जाते हैं, साथ में टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट भी यहीं मिलती है। इसके डोर हैंडल्स क्रोम फिनिश के साथ दिए गए हैं और इसकी बी पिलर ब्लैकआउट और सी पिलर भी बिल्कुल ग्लॉसी ब्लैक फिनिश के साथ देखने को मिलेंगे आपको। अब चलते हैं इसके रियर में, तो यहाँ आपको पीछे से देखने पर सब कुछ सेम ही रहने वाला है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। नीचे बम्पर पे आपको 2 रिफ्लेक्टर्स और 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं और रियर कैमरे की प्लेसमेंट भी बीच में यहीं देखने को मिलेगी आपको। ऊपर बीच में अब सैटिन फिनिश के साथ Hyundai का लोगो और Aura की बैजिंग देखने को मिलती है। इसके टेल लैंप्स को देखें तो अब ये LED में देखने को मिलता है और नाइट में काफ़ी इंप्रेसिव लुक निकल के आती है इसकी पीछे से। बाकी स्टॉप लैंप, टर्न सिग्नल और रिवर्स लैंप हैलोजन बल्ब के साथ दी गई है इसको। ऊपर बूट पे स्पॉइलर भी दिया गया है हाई माउंट स्टॉप लैंप के साथ और ऊपर में रियर डिफॉकर का भी फीचर मिलता है इसमें आपको और ऊपर शार्क फिन एंटीना भी देखने को मिलेगा। बात करें इसके बूट स्पेस की, तो अराउंड 402 लीटर्स की बूट स्पेस मिल जाती है इसमें आपको। अब बात करते हैं इसके इंटीरियर में क्या कुछ मिलता है नए अपडेट्स के साथ, तो सबसे पहले इसमें आपको कीलेस एंट्री विद रिमोट सेंट्रल लॉकिंग फीचर के साथ 2 मल्टी फंक्शनल रिमोट भी मिल जाते हैं
और रिमोट पे आपको लॉक अनलॉक और बूट रिलीज के बटन देखने को मिलते हैं और इसके साथ में डोर पे रिक्वेस्ट सेंसर का भी बटन दिया गया है। इसके डोर ट्रिम्स ड्यूल टोन कलर के साथ देखने को मिलते हैं, साथ में बॉटल होल्डर भी। इसके ऑल फोर पावर विंडोज की कंट्रोल्स भी यहीं दिए गए हैं और साथ में ही ORVMs के कंट्रोल भी इस पर ही देखने को मिलेंगे आपको। और इसकी इनसाइड डोर हैंडल्स भी क्रोम फिनिश के साथ दी हुई हैं। अब सामने से इसके इंटीरियर को देखें तो मल्टी टोन कलर थीम के साथ जगह जगह सिल्वर एसेंट्स दिए गए हैं इसको, और इसका डैशबोर्ड ब्लैक एंड लाइट शेड के साथ ब्राउन इंसर्ट में काफी प्रीमियम फील कराता है आपको। ऊपर की तरफ देखें तो मैनुअल डे नाइट IRVM के साथ बड़ा सा केबिन लैंप और साथ में फोन के लिए माइक की प्लेसमेंट भी यही मिलती है आपको, और दोनों साइड दो सनवाइजर्स मिल जाते हैं आपको। इसके साइड एसी वेंट्स राउंड शेप में ग्लॉसी ब्लैक फिनिश और सिल्वर सराउंड के साथ देखने को मिलती हैं, और थोड़ी वॉलेट स्पेस के साथ ही इसमें कूल ग्लव बॉक्स का भी फीचर दिया गया है। बीच में देखें तो पहले वाला ही 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है आपको इसमें, विद एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले, जो सपोर्ट करता है ऑक्स USB, ब्लूटूथ वॉइस कमांड और GPS नेविगेशन थ्रू योर स्मार्टफोन जैसे फीचर्स को, और टोटल 4 स्पीकर्स का सेटअप मिल जाता है आपको इसमें एक डिसेंट साउंड क्वालिटी के साथ। नीचे आपको सेंटर एसी वेंट्स क्रोम नॉब्स के साथ देखने को मिलेंगे और इसके बीच में ही हैजार्ड लाइट के स्विच भी। अब इसके नीचे देखें तो इस वेरिएंट में आपको यहाँ फुली ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का फीचर मिल जाता है एसी और हीटर के साथ में, और नीचे आपको मिल जाता है इसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी, और साथ में ही यहाँ आपको एक टाइप सी और एक USB का पोर्ट भी मिलता है 12 वोल्ट पावर आउटलेट के साथ में। 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स मिलता है इसमें आपको, साथ में 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन भी मिलेगा आपको इसके AMT वर्जन में। बाकी नीचे 2 कप होल्डर्स और हैंडब्रेक सिल्वर फिनिश बटन के साथ देखने को मिलते हैं। अब इसके स्टीयरिंग व्हील को देखें तो राउंड शेप में सिल्वर इंसर्ट्स के साथ लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील टिल्ट एडजस्टमेंट्स के साथ देखने को मिलता है, और स्टीयरिंग पे लेफ्ट में वॉइस कमांड और मीडिया के कंट्रोल्स, और राइट में क्लस्टर और क्रूज कंट्रोल के भी बटन्स मिल जाते हैं इसमें आपको। बाकी स्टीयरिंग के लेफ्ट में वाइपर और राइट में इंडिकेटर और ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स के कंट्रोल दिए गए हैं। अब इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर को देखें तो अब इसमें आपको बिल्कुल नया सा क्लस्टर मिलता है अनलॉक विद डिजिटल, लेफ्ट में टैकोमीटर, इंजन टेम्परेचर और राइट में स्पीडो और फ्यूल गेज के मीटर दिए गए हैं, और बीच में बड़ी सी स्क्वायर शेप में MID स्क्रीन ब्लैक एंड व्हाइट कलर में देखने को मिल जाती है आपको, जिसमें टाइम, आउटसाइड टेम्परेचर, ओडोमीटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू MT, ड्यूल ट्रिप मीटर्स के इन्फॉर्मेशंस और TPMS जैसे इन्फॉर्मेशंस शो होते हैं। बाकी डैशबोर्ड पे राइट साइड में आपको यहाँ इंजन पुश स्टार्ट स्टॉप के बटन और साथ में ही यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेवलर के भी स्विच देखने को मिल जाएंगे। बात करें इसके सीट्स और कंफर्ट की तो इसमें आगे और पीछे दोनों ही सीट्स में हेडरूम और लेगरूम काफी स्पेसियस मिलता है, और अंडर थाई सपोर्ट भी काफी बढ़िया मिल जाता है आपको इसमें। इसकी सीट्स फैब्रिक विद लेदरेट इंसर्ट्स के साथ काफी प्रीमियम फील देती हैं, और इसकी फ्रंट सीट्स फिक्स्ड हेडरेस्ट के साथ 4-way मैनुअल एडजस्टमेंट में, और ड्राइवर सीट्स इसकी हाइट एडजस्टमेंट के साथ भी मिल जाती है आपको मैनुअल में, और रियर में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट के साथ रियर सीट्स देखने को मिलती हैं, और साथ में यहाँ आर्मरेस्ट भी दिया गया है 2 कप होल्डर्स के साथ में, और यहाँ पे रियर एसी वेंट्स भी मिल जाते हैं आपको रियर पैसेंजर्स के लिए, और साथ में एक 12 वोल्ट पावर आउटलेट भी देखने को मिलता है आपको। चलिए अब ये बात हो गई इसके इंटीरियर और कंफर्ट की, अब बात करते हैं कि सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए क्या कुछ मिलता है आपको इसमें। तो इसमें अब 6 एयरबैग का सेगमेंट लीडिंग सेफ्टी फीचर मिल जाता है, और साथ में ही ABS विद EBD के साथ में ट्रैक्शन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, फ्रंट सीट बेल्ट विद प्री टेंशनर्स एंड लोड लिमिटर्स, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट्स, स्पीड सेंसिंग ऑटो डोर लॉक, इंपैक्ट सेंसिंग ऑटो डोर अनलॉक, इंजन इमोबिलाइजर, सेंट्रल लॉकिंग विद रिमोट कीलेस एंट्री, बर्गलर अलार्म, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, रियर पार्किंग सेंसर्स विद कैमरा, सीट बेल्ट रिमाइंडर ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए, और हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम विद बजर जैसे ढेर सारे सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं इसमें आपको। अब बात करते हैं इसकी कीमत की, तो अगर आप इसे UP से लेते हैं तो लखनऊ में इस पर्टिकुलर वेरियंट SX ऑप्शनल 1.2 मैनुअल की एक शोरूम प्राइस 8,60,800 रुपये, रजिस्ट्रेशन के लिए देने होते हैं आपको 76,864, इंश्योरेंस होते हैं इसके लिए 44,815 रुपये, और अदर चार्जेस 2,000 रुपये होते हैं, और टोटल 984,479 रुपये की ऑन रोड प्राइस होती है इसकी UP में Hyundai Aura SX ऑप्शनल 1.2 मैनुअल की। बाकी अगर आप किसी अन्य स्टेट या सिटी से हैं तो प्राइस थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ में सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को आगे भी ऐसी ढेर सारी वीडियोज़ देखने के लिए। पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से थैंक यू आपका, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।